हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कुछ जेई मेन के क्वेश्चंस को हम कैसे शॉर्टकट से कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनल मेथड को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हम शॉर्टकट मेथड से करके अपने समय को कैसे बचा सकते हैं। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन में या बाइनोमियल थ्योरम में कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछा जाता है या फिर नंबर ऑफ रेशनल टर्म पूछा जाता है या फिर नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इन क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, 12 को एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, 12 को। तो कैसे हम अभी हम पहले ट्रेडिशनल मेथड को समझते हैं कि हमने ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड टाइम कंज्यूमिंग मेथड होते हैं, समय ज़्यादा लगता है। शॉर्टकट मेथड से आप अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखो, तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हम इसके पहले क्या करते हैं, जनरल टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। टी आर प्लस वन, दिस इज 60 सी आर, 7 वन बाई फाइव, 60 माइनस आर, ओके, माइनस 3 वन अपॉन 10 रेज टू पावर आर। हमने क्या निकाला, जनरल टर्म्स निकाला, आर प्लस वन टर्म्स। ओके, दिस इज 60 सी आर, 7 60 माइनस आर अपॉन 5 माइनस 1 रेज टू पावर आर, 3 आर अपॉन 10, ये हो गया, ठीक ना। अब हम यहाँ पर आर की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि ये जो वैल्यू आए, जो पावर वाली वैल्यू है, वह कैसी आए, इंटीजर्स में आए। तो देखो, यहाँ पर आर की जगह हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो इंटीजर आएगा, जीरो रखेंगे तो इंटीजर आएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो इंटीजर आएगा। इस तरह से हम रख के क्या करते हैं, उन्हें चेक करते हैं, फिर उसे काउंटिंग करके पता कर लेते हैं कितने रेशनल है, कितने इंटीग्रल टाइम्स होंगे। इस तरह से हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं कि शॉर्टकट मेथड से हम कैसे करेंगे। देखो, समझो से, LCM ऑफ, यहाँ पर जो 7 है इस पर क्या पावर है, 5 की, 3 पर क्या पावर है, 10 की। LCM ऑफ 5 एंड 10 इज कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, प्राइम नंबर नहीं है तो उसे हम प्राइम नंबर में, जैसे सपोज करो उसके कोई फैक्टर्स की पावर आगे कम बढ़ नहीं होना चाहिए उस पर, ठीक ना। तो LCM ऑफ 5 एंड 10 इज क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखो, 60 जो भी पावर यहाँ पर है, यहाँ पर जो भी पावर है 60 है, 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। पूरा का पूरा इंटीजर आ रहा है, तो इसमें जो अपना इंटीग्रल टर्म्स होगा, इंटीग्रल टर्म क्या होगा, 6 प्लस 1 हो जाएगा, इस 7 इंटीग्रल टर्म्स होंगे। इसमें कितने इंटीग्रल टर्म्स होंगे, 7 इंटीग्रल टर्म्स होंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन अपॉन LCM ऑफ 5 एंड यहाँ पर 10 है। ओके, इस तरह से, तो ये 7 आ गया। अब उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। अब टोटल टर्म्स कितने होंगे, 61 होंगे। टोटल टर्म्स में से नंबर ऑफ रेस इंटीग्रल टर्म्स या रेशनल टर्म्स सेम होते हैं, माइनस 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। सो दिस इज नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितने हो गए, 54 हो गए। तो हम इस 4 पर क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम अपने समय को बचाएंगे एग्जाम में। ओके, नाउ नेक्स्ट, जेई मेन 2023 9 2020 मॉर्निंग वाले टाइम पर पूछा गया था, इफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 3 रेज टू पावर 1/2 प्लस 5 रेज टू पावर 1/8 होल रेज टू पावर n इन इज एग्जैक्टली 33 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। यदि हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, जनरल टर्म्स निकाल के फिर टेन फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें कम से कम हमें 2 या 3 मिनट लगेंगे। ओके, और यदि हम इसे शॉर्टकट से करते हैं तो हम अपने टाइम्स को बचा सकते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बड़ा इम्पोर्टेंस होता है,
टाइम का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, जितना टाइम हम बचा सकें उतना ही आप आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसे शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे। ओके, हम लिखेंगे LCM ऑफ 2 and 8 क्या होगा, 8 होगा। 2 और 8 का हमने क्या निकाला, LCM निकाला तो वो 8 आया। अब दिस इज, देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म्स n अपॉन LCM, ओके, प्लस 1, कितने होते हैं प्लस 1, इक्वल टू क्या होगा 33 होगा। तो n अपॉन 8 इक्वल टू 32, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा, n इक्वल टू 256। तो इस थर्ड में हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। तो विद इन 30 सेकेंड आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स में कम से कम 2 or 3 minutes के बीच में इसमें टाइम लगेगा, एटलीस्ट टाइम बिटवीन 2 and 3 minutes। ओके, हम यहाँ पर इसको विद इन 30 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, दोनों का LCM लिया, तो LCM कितना है 8 आया, इसे n को LCM से डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने होते हैं, n अपॉन 8 प्लस 1 इक्वल टू 33, तो n इक्वल टू कितना आ गया 256 आ गया। ट्रेडिशनल मेथड में आपको जनरल टर्म्स निकालना पड़ता, TR प्लस 1 निकालते आप, कितना आता NCR 3 raised to power 1/2 raised to power n-r 5 raised to power 1/8 whole raised to power r TR प्लस 1, दिस इज NCR 3n-r/2 5 r। इस तरह से आप उसको आगे बढ़ते तो कम से कम 3 मिनट तो लगते ही, 3 मिनट्स एटलीस्ट। ओके, अंडरस्टूड। तो हम इसे शॉर्टकट तरीके से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन 5 raised to power 1/4 प्लस 3 raised to power 1/8 whole raised to power 60 इज n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ n माइनस 1। जेई मैन 2021 16-3 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ओके, उसने बोला है कि इसकी एक्सपेंशन में, इन दिस एक्सपेंशन नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इज n, कितने इरेशनल टर्म्स हैं उसमें n हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ n माइनस 1। ओके, तो देखो हम इसे शॉर्टकट मेथड से करते हैं। LCM ऑफ 4 and 8 LCM ऑफ 4 and 8 इज कितना होगा, 8 होगा। अब हम 60/8 निकालते हैं, 60/8 निकालेंगे तो कितना होगा 7.5। अब देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, n अपॉन LCM कितने किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि 7 में 1 ऐड होगा कि नहीं होगा। वो कैसे चेक करेंगे, हम TR प्लस 1 टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 60 CR 5 raised to power 1/4 60-r 3 raised to power 1/8 whole raised to power r। ओके, तो कितना हो जाएगा अपना, ये हो गया 60 CR 5 raised to power 60-r/4 3 raised to power r/8। इसमें हम 0 रख के देखेंगे, r इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखा तो 60/4 64 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 08 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 1 ऐड होगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 7 + 1 = 8 होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ इंटीग्रल, देखो यदि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो इंटीजर आती है, तो 1 तो हमें ऐड करना ही है। फिर अब यदि फ्रैक्शन में आती है तो हम उसे इस तरह से चेक करेंगे, आर की जगह 0 रखने पर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो 1 ऐड होगा, नहीं तो 1 ऐड नहीं होगा। ओके, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ
इरेशनल टर्म, इरेशनल टर्म इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा टोटल टर्म माइनस इंटीग्रल टर्म, इंटीग्रल टर्म। ओके, तो टोटल टर्म्स कितने हैं अपने इसमें, टोटल टर्म्स कितने होंगे, 61 होंगे, एक ज़्यादा होगा, और 61 माइनस 8 कितना आएगा, 61 माइनस 8 होगा 53, कितना आएगा 53 आएगा। अब n की वैल्यू आ गई आपकी 53, n कितना आ गया, n इक्वल टू 53, तो n माइनस 1 कितना होगा 52 होगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है n माइनस 1 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पर 52 का, तो 26 होगा, कितना होगा 26 होगा। n 52 के हम फैक्टर निकाल लेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा इस तरह से, और उसमें एक फैक्टर आपका 26 भी होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या होगा, 26 ये आंसर हो जाएगा। जेई मेन 2021 में पूछा गया था, तो इन शॉर्टकट मेथड से हम अपने महत्वपूर्ण समय को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, टाइम को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इन शॉर्टकट मेथड से कम 90 मिनट्स को क्या कर सकते हैं, अपने बचा सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड।